नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। एक शानदार घर का नक्शा आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा 1148 स्क्वायर फीट का होने वाला है, जिसमें हमारा फ्रंट जो है वो 20 फीट 6 इंची है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे फ्रंट जो आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा 20 फीट 6 इंच का फ्रंट बनता है। मैं एक बार पेन ले लेता हूँ। 20 फीट 6 इंच का यहाँ पे हमारा फ्रंट बन जाता है। उसके बाद हमारा डेप्थ की बात कीजिएगा तो वो हमारा 56 फीट का डेप्थ बन जाता है। तो ये टोटल हमारा 1148 स्क्वायर फीट का प्लान बनता है। और रोड की बात कीजिएगा तो रोड सामने की तरफ है जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो नॉर्थ डायरेक्शन के वास्तु के हिसाब से इस प्लान को रेडी किया गया है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है और ये हमारा सिंपल प्लान है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग डेप्थ और फ्रंट देख लिए कितना है और रोड भी देख लिए कितना है। तो हम लोग एंट्रेंस जो बना रहे हैं यहाँ पे हम लोग एक पद इधर का छोड़ रहे हैं, ठीक है। एक से दो पद यहाँ से दो तीन फीट हम लोग ब्रिक वर्क करेंगे। ये हमारा यहाँ से स्टेयर पे हम लोग एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आते आते हम लोग क्या होंगे 8-9 फीट पे चले जाएंगे। तो यहां से हम लोग गेट देंगे, ठीक है। इस रीजन में हम लोग गेट देने वाले हैं क्योंकि थोड़ा बहुत हमको वास्तु के लिए हिसाब से ईस्ट एंड नॉर्थ एंड ईस्ट कॉर्नर में नहीं देना चाहिए। मिडिल ऑफ द नॉर्थ चलेगा और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इधर से एक पद छोड़ के आप लोग को इधर से भी एक पद छोड़ के इस रीजन में आपको गेट दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ के आसपास गेट देने वाला हूँ क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट मेरा यहाँ से लैंडिंग 5 फीट पे आएगा। उसके बाद ये हमारा ऊपर चले जाएगा तो हमारा कोई दिक्कत 7 फीट लिंटल हाइट से ऊपर चले जाएगा तो गेट देने में कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। स्टेयर जो हम लोग डिजाइन किए हुए हैं, पैर रखने वाला जो रखे हुए हैं, ट्रेड अपना लोग उसको कहते हैं, वो हम लोग 10 इंच का रखे हुए हैं। और आर जिसको हम लोग राइजर कहते हैं वो हम लोग 6 इंच का रखे हुए हैं। चढ़ने वाला जो स्टेप रखे वो 6 इंची का, पैर रखने वाला हम लोग 10 इंची का। ये सब चीज मैं पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसमें जो चौताल की चौड़ाई है वो 3.5 फीट 3 इंच का है। एक चौताल जो है वो भी 3.5 फीट 3 इंच का, दूसरा भी 3 फीट 3 इंच का, गलती से 3 फीट 4 इंच लिखा गया है। बीच में 6 इंच का गैप रखे हुए इस तरीके से हम लोग कुछ स्टेयर को डिजाइन किए हुए हैं। सीट आउट एरिया यहाँ पे देख पा रहे होंगे 9 फीट 3 इंच इस डायरेक्शन में और 7 फीट इस डायरेक्शन में। अब कहीं से कोई आता है गेस्ट वगैरह या फिर बाइक वगैरह अगर अंदर में लगाना तो ये सीट आउट एरिया इसीलिए हम लोग रखते हैं। 9 फीट 3 इंच बाय 7 फीट का ये हमारा सीट आउट एरिया आता है। यहाँ से हम लोग मेन घर में एंट्री लेंगे, ठीक है। यहाँ स्टेयर जिसको ऊपर जाना है डायरेक्ट हमारा ऊपर चले जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने सामने की तरफ स्टेयर दिया। उसके बाद जैसे ही हम लोग घर में एंट्री लेंगे वहीं से हमें गेस्ट रूम में एंट्री, जस्ट बगल में हमको गेस्ट रूम का एंट्री रहने वाला है जो हमारा 12 फीट इस डायरेक्शन में और 10 फीट इस डायरेक्शन में, 10x12 का हमारा गेस्ट रूम का साइज बन जाता है, ठीक है, जो हमारा वेस्ट साइज है गेस्ट रूम के हिसाब से। ये डायरेक्शन भी एक बार मैं मेंशन कर लूं तो ये हमारा वेस्ट आ जाता है, ये हमारा ईस्ट आ जाता है, ठीक है, डायरेक्शन का भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए ईस्ट एंड नॉर्थ क्वेश्चन घर का हमारा ये बनेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूजा रूम दिया हुआ है 5 फीट इस डायरेक्शन में और 8 फीट इस डायरेक्शन में, तो ये हमारा पूजा घर दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से जैसे एंट्री लेंगे तो हम हॉल के पार्ट में चलेंगे। तो हॉल पार्ट देख सकते हैं ड्रॉइंग प्लस डाइनिंग दोनों कंबाइंड हॉल है क्योंकि हमारा जगह जो है बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देख सकते हैं 29 फीट 4 इंच का ड्राइंग प्लस डाइनिंग हॉल है। तो आराम से आप लोग यहाँ से लेके 10 फीट तक में आप लोग डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारा रह जाएगा 19 फीट 4 इंची वो ड्राइंग हॉल में काउंट होगा। इधर आपको डाइनिंग बनाना है, इस पार्ट को आपको डाइनिंग में यूज करना है, इधर वाले पार्ट को आपको ड्राइंग में यूज करना है। तो आपका क्या होगा, दोनों चीज इसमें आ जाएगा। पीछे की तरफ चले तो ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। तो ये हमारा अग्नि कोना बनता है। तो यहाँ पे 9 फीट 3 इंच बाय 7.5 फीट का हमारा किचन बन जाता है। साइज भी अच्छा हम लोगों ने और अग्नि कोना पे किचन रखा है, वस्तु के हिसाब से 100% हम लोग परफेक्ट जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये देखे मास्टर बेडरूम हम लोग लिखे हुए, साउथ एंड वेस्ट कॉर्नर को सबसे भारी प्लेस रखना होता है और मास्टर बेडरूम के लिए सबसे परफेक्ट प्लेस होता है, इसीलिए हम लोग साउथ एंड वेस्ट में हम लोग ने मास्टर बेडरूम रखा हुआ है जो 10 फीट बाय 12 फीट का हमारा मास्टर बेडरूम। दोस्तों अगर इस तरह का आपको 2D प्लान हम बनवाना है तो हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 1913170550। इस पे कॉन्टेक्ट करके आप अपने घर का 2D नक्शा या 3D नक्शा किसी भी तरह का नक्शा बनवा सकते हैं। ये जो आप लोग जनरली हमारा वीडियो देखते हैं ये हमारा सिंपल प्लान होता है। सबसे पहले हम लोग सिंपल प्लान रेडी करके देते हैं, उसमें अगर क्लाइंट के द्वारा कोई चेंजेस होता है तो उसको चेंजेस करते हैं। ये जो बना के देते हैं लगभग कोशिश करते हैं 90% तक वास्तु के हिसाब से, जितना पॉसिबल हो सके वास्तु के हिसाब से प्लान को बना के, और प्लान रिक्वायरमेंट क्या क्लाइंट का आता है उस पर डिपेंड करता है किस हिसाब से हम लोग बना पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कॉन्टेक्ट करके जरूर
ऑनलाइन बनवा सकते हैं, एक लो कॉस्ट में आपको बना के दिया जाएगा। तो ये हमारा 10 में 12 का मास्टर बेडरूम होता है साउथ वेस्ट में। उसके बाद हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है मिडिल ऑफ द वेस्ट आ जाएगा, मिडिल ऑफ द वेस्ट नहीं होगा, साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट होगा, ठीक है। इसको हम लोग साउथ साउथ वेस्ट कहेंगे, ठीक है। साउथ साउथ वेस्ट में हमारा ये सेकंड बेडरूम आ जाएगा जो 10 फीट बाय 12 फीट का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक हमारा कॉमन टॉयलेट आ जाता है जो 8.5 फीट बाय 4 फीट का हमारा कॉमन टॉयलेट आता है। पीछे की तरफ हम लोगों ने 1.5 फीट का डक्ट छोड़ा हुआ है क्योंकि हम लोग साइड में जगह नहीं छोड़ रहे। इसी कंडीशन के लिए हमको सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो बाथरूम में जरूरी होता है, पाइप निकालने के लिए या फिर एयर वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने 1.5 फीट का यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है। एक हम लोगों ने अटैच गेस्ट रूम से यहाँ पे टॉयलेट बनाया हुआ जो सिमिलरली 8.5 बाय 4 का है। तो एक हम लोगों ने अटैच टॉयलेट बनाया हुआ, एक कॉमन टॉयलेट बनाया हुआ। इस तरीके से हम लोगों ने 1148 स्क्वायर फीट एरिया में हम लोगों ने 3 बेडरूम बनाया हुआ है, 2 बाथरूम बनाया हुआ है, 1 पूजा घर है हमारा, 1 सीट आउट एरिया बैठने के लिए एरिया बैठक बनाए हुए हैं, ठीक है। डाइनिंग प्लस ड्राइंग हॉल बनाए हुए हैं, पीछे की तरफ हम लोग किचन बनाए हुए हैं, एक मास्टर बेडरूम बनाए हुए हैं। और ये जो भी चीज हम लोग बनाए हुए ये सारा चीज आप लोग देख पा रहे हो, वास्तु के अकॉर्डिंग है। अगर आपको इसी तरीके का प्लान बनवा था हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आप लोग पता होगा और डिस्क्रिप्शन में भी ना पता होगा तो मिल जाएगा कि आपको 9113 9113 1705 1705 50 इस पे कॉन्टेक्ट करके आप अपना घर का नक्शा बना सकते हैं, 3D डिजाइन बना सकते हैं, किसी तरह का सिविल रिलेटेड वर्क आप लोग सजेशन ले सकते हैं, करवा सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा 1148 स्क्वायर फीट का प्लान था जिसमें हम लोगों ने 3 बेडरूम, 1 हॉल ड्राइंग प्लस डाइनिंग हॉल पूजा रूम, उसके बाद 2 बाथरूम, उसके बाद हम लोग सीट आउट एरिया स्टेयर सारा चीज डिजाइन किया हुआ। अगर इस तरह के प्लान में आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट करिए, जरूर पूछिए, मैं जरूर आप सभी को रिप्लाई दूंगा। लेकिन अगर आपको अपना प्लान रेडी करवाना है उसके लिए पेमेंट चार्ज करना पड़ेगा, तभी प्लान मैं रेडी करके दे पाऊंगा। क्योंकि ये जो प्लान देख रहे हैं, ठीक है, किसी क्लाइंट का है, ठीक है, किसी क्लाइंट का है, मैं सैंपल रेडी किया हूं तो आप सभी के सामने आके मैं इस चीज को एलोबरेट कर रहा हूं, दिखा रहा हूं, ठीक है। स्पेशली हम डेमो नहीं बना पाते हैं, उतना समय नहीं होता। स्पेशली हम लोग जो कमेंट में आप लोग जैसे लिखते हो कि 20 बाय 30 30 बाय 40 जो भी आपका साइज हो उसका बना के डालें तो वो समय उतना नहीं मिल पाता क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय जाता है एक एक नक्शा को, प्लान को वास्तु के हिसाब से क्रिएट करने में। इस बात का आप भी ध्यान रखें क्योंकि मैं एक बेसिक चार्ज होता है 1000 स्क्वायर फीट है, अगर ग्राउंड फ्लोर बनाना है तो उसका ऑनलाइन में जो हम चार्ज लेते हैं वो बहुत कम लेते हैं, 1500 से लेके 2000 रुपए मात्र चार्ज लेते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ प्लान बना के देते हैं, डिटेल्ड प्लान नहीं, ये भी मैं बार बार मेंशन, सिर्फ प्लान बना के देते हैं, पिलर बैठा के डोर विंडोज का डिटेलिंग करके देते हैं, ठीक है। यही 2000 स्क्वायर फीट का प्लान अगर आपका होगा तो वहां 4000 तक हम लोग चार्ज करते हैं ऑनलाइन में, तो ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है। इसीलिए सर आप लोग अगर कमेंट करें तो ये ध्यान में रखते हुए कमेंट करें कि एक छोटा सा चार्ज आपको लिया जाएगा प्लान बनाने का। अगर आपको सीरियसली बनवाना है तो जरूर हमारे टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, आशा करूंगा आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के वीडियोस हाउस प्लान रिलेटेड मैं लगातार लाता रहता हूं आप सभी के लिए, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।